जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ RX 34 के बारे में। RX 34 के कंप्रेसर को आप लोग किस तरह से चेक कर पाएंगे। RX 34 के कंप्रेसर के लाजमी नहीं कि आप लोग Danfoss को इसी तरह से चेक कर पाएंगे। RX 34 के जितने भी मॉडल जिनके अंदर RX 34 गैस चार्ज होती है, पैनासोनिक होते हैं, चाहे ZDM हो जाए, इलेक्ट्रोलैक्स हो जाए, जितने भी कंप्रेसर को जितने भी कंपनी है, आप लोग सेम तरीके से इसी तरह से चेक करेंगे कंप्रेसर को, तो 100% आप लोग चेक कर पाएंगे कंप्रेसर आप लोगों का ठीक है कि नहीं। अक्सर आप लोगों की यही कंप्लेन होती है कि आप लोग अक्सर गैस चार्ज कर देते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कंप्रेसर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट था, उसकी वजह से आप लोगों की गैस ज़ाया हो जाती है अक्सर। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि RX 34 का कंप्रेसर आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। इसे कैसे टेस्ट करना है कि जिससे ये हो कि आपका रिस्टार्ट का प्रॉब्लम भी ना आए और आपको अच्छे से डिटेक्ट करना आ जाए कि कंप्रेसर आप लोग बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो आप फिटिंग करें, अगर नहीं ठीक है तो आप इसको ठीक करवाएं या चेंज कर दें, तो वो बेहतर है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने डिस्चार्ज के ऊपर चार्जिंग वाल लाजमी लगाना है। अगर चार्जिंग वाल नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका पंप ख़राब है कि नहीं, इसकी मोटर ठीक है कि नहीं, तो जजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने डिस्चार्ज के ऊपर आपने चार्जिंग वाल एक लगा लेना। आज की वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप लोग कंप्रेसर को कैसे चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोगों को कैसे 100% पता चलेगा कि आप लोगों का कंप्रेसर जो है बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके शार्ट चेक कर लेते हैं। तो शार्ट को चेक करने के लिए आप लोगों को बॉडी के ऊपर कहीं पर भी आप लोग उसको अटैच करेंगे एक पॉइंट को, और एक पॉइंट को आप लोग ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाएंगे। तो अगर तो यहाँ पे पीप या नॉइज़ वगैरह की कुछ भी यहाँ पे नंबरिंग आएगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसकी मोटर जो है वो शार्ट है। कॉमन और रनिंग के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं 12 हैं, और कॉमन और स्टार्टिंग के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं वो 38 हैं। तो मैक्सिमम अब रनिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट जो होने चाहिए वो मैक्सिमम मेरे होने चाहिए 50 के करीब। तो रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ लगाता हूँ तो ये आप लोगों के सामने तकरीबन 48.5 है, मतलब कि तकरीबन ठीक है, मतलब कहने कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। जो इसके पॉइंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी जो मोटर वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं, उसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी इसका काम कम्प्लीट हो चुका है, अभी हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इसका प्रेशर और इसका चलने की स्पीड और इसके एम्पेयर, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसका जो है कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। तो गेज को हमने इसके डिस्चार्ज के ऊपर लगा देना ताकि हम इसका पंप का प्रेशर भी चेक कर पाएँ कि पंप का प्रेशर ठीक है कि नहीं। आप लोगों ने गेज को खोल लेना है। अभी आप लोगों ने गेज को खोलने के बाद फिर हम बाद में इसको गेज को ऑफ करेंगे ताकि हम इसका दबाव भी चेक कर पाएँ। कॉमन और रनिंग की तरफ मैंने वायर लगा दिया और रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ मैं स्पार्ट दिला रहा हूँ, रेस चल जाएगा। तो आपको चेक करने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप लोग इसको डायरेक्ट चलाएँ, ना कि रिले की मदद से आप इसको चलाएँ। तो अभी हम इसके चेक कर लेते हैं एम्पेयर, ये एम्पेयर कितने ले रहा है। तो अभी आप लोगों के सामने 6.6 पॉइंट आ रहे हैं, तो 6.6 पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है, इसका एम्पेयर बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसके लोड के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं। तो अभी हम इसको दबाव पे लेके जाते हैं, तो ये दबाव पे कितने हैं, तो ये अभी इसको बंद कर देते हैं। तो ये मैंने इसको गेज को बंद कर दिया, इसका प्रेशर जा रहा है अभी, ठीक है, 350 प्रेशर हो चुका है। और एम्पेयर आप लोग देख सकते हैं 7.8 आ रहे हैं। अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 500 प्रेशर बिल्कुल एक्यूरेट पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर एम्पेयर देख सकते हैं कितने अम्पेयर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 7.8 ही आ रहे हैं। अगर ये एक अम्पेयर तक भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल कंप्रेसर ओके होगा। तो सिंपल अभी हम इस कंप्रेसर को बंद करेंगे 500 प्रेशर के ऊपर। तो मैंने कंप्रेसर को बंद कर दिया, देख सकते हैं जो इसके पॉइंट है वो चलेंगे वापस। तो अभी हम चेक करते हैं इसकी कोई बैग वगैरह नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने प्रेशर लीक किया ताकि हमें चेक कर पाएँ, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आप चेक कर सकते हैं ये 500 के पॉइंट के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट रुकी हुई है, मतलब कहने का पंप को बैक नहीं होना चाहिए। अगर ये बैक होगा, हल्का सा हो, बिल्कुल माइनस सा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, लिहाजा ज़्यादा बैक नहीं होनी चाहिए। कंप्रेसर को बंद करने के बाद इसकी गेज जो वापस नहीं जानी चाहिए। तो अभी आप लोगों को इस पोजिशन पर यह करना है कि आप लोगों ने इसको चलाना है, रिस्टार्ट करना है। अगर तो ये कंप्रेसर रिस्टार्ट हो जाएगा 500 प्रेशर के ऊपर, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि गैस के ऊपर भी इसका जो दबाव होगा उसके ऊपर ये रिस्टार्ट हो जाएगा, ना कि ये स्टार्ट नहीं होगा। आपके माइंड में जो होगा कि ये गैस डालने के बाद अक्सर आप लोगों के माइंड में ये होता है कि कंप्रेसर रिस्टार्ट नहीं होते, वो इसी वजह से नहीं होता कि आप लोग इसको चेक नहीं करते। आप लोग 500 प्रेशर के ऊपर अगर आप इसको बाहर वाली साइड पे रिस्टार्ट कर दें तो ये 100% ये गैस के ऊपर भी चलेगा ही चलेगा। तो अभी हम इसको 500 प्रेशर के ऊपर, ये आप देख सकते हैं 500 प्रेशर है, तो 500 प्रेशर के ऊपर भी हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो 500 प्रेशर के ऊपर भी हम इसको रिस्टार्ट करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ स्पार्ट दिलाता हूँ और ऑन करता हूँ। तो ये ऑन किया मैंने, तो ये आप देख सकते हैं एम्पेयर भी, तो ये चल पड़ा है। और इसके पॉइंट अभी
प्रेशर भी ऊपर चला गया था, मुझे थोड़ी सी लूजिंग करनी पड़ी। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी थोड़ी सी लूजिंग भी दे दी ताकि इसका दबाव जो है वो ज़्यादा ना बने, ताकि पाँच सौ प्रेशर के ऊपर ना चले जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ यहाँ पे। तो अभी ये 500 प्रेशर के ऊपर चल रहा है, इस साइड दोबारा हुआ है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7-8 पॉइंट आ रहे हैं। तो मतलब ये कंप्रेसर बिल्कुल एक्यूरेट ओके है। तो सभी चीज़ें मैं उतार लेता हूँ, अभी भी कुछ चीज़ें आपको गाइड करने वाली हैं तो वो सुन के जाइएगा। मतलब कहने का मेरा यही है कि जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं चेक करनी कैसी हैं, ये आप लोगों ने 100% चेक करनी है किसी भी कंप्रेसर को फिट करने से पहले। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की गैस का जो लॉस ना हो और आप लोगों को रीफिलिंग ना करनी पड़े कंप्रेसर को दोबारा खोल के, जो चेक करना आप लोग पहले चेक करें इसका कंप्रेसर का एम्पीयर भी चेक करें, आप लोग इसका प्रेशर भी चेक करें। अगर ये प्रेशर बंद होने पर प्रेशर बैग आ रहा है तो फिर आप लोग इसको नहीं लगाइएगा, आप लोग इसको रिपेयर करवाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप लोग इसको कंप्रेसर को चेंज करेंगे। अगर तो 500 प्रेशर के ऊपर भी रुके हुए प्रेशर के ऊपर भी ये 500 प्रेशर पर रिस्टार्ट नहीं हो रहा होगा कंप्रेसर, तो आप लोग फिर भी कंप्रेसर को रिपेयर करवाइएगा और यहाँ उसको चेंज कर दीजिएगा। अगर आप लोग वैसे का वैसे ही आप इसको फिट करेंगे तो अदरवाइज आप लोगों को यही प्रॉब्लम होगी कि आप लोगों का कंप्रेसर रिस्टार्ट नहीं होगा गैस पे और आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों को फिर से खोल के उसके बाद आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा और आप लोगों के गैस और टाइम दोनों ज़ाया होंगे। तो बस दोस्तों आज की बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।